Wala, wag agree ako. नहीं नहीं सर, ये लक्ष्य बन रहा है कुछ। हाँ जी सर बताइए। मैं मुनीर इंद्राबी, प्रेसिडेंट जेके एनएचएम एसोसिएशन कश्मीर प्रोविंस। जैसे आपको पता है आज हमारा पांचवा दिन है पूरा फर्स्ट इंटरडेस्ट, तो हमने अपने हिसाब से एक मैसेज दी गवर्नमेंट को, जब तक ना हमें कोई कंक्रीट डिसीजन वहां से आ जाए तब तक हम इसको हटाने वाले नहीं हैं। जहां तक ये टर्मिनेशन का ताल्लुक है, इनको अगर लग रहा है कि इससे सिस्टम सुधर जाएगा तो इनको करना चाहिए था। अगर हमारी वजह से, तो हमारी तरफ से पॉलिसी ओपन है कि इनको जो करना है आप कर दीजिए। हमारी तरफ से पॉलिसी ओपन है, हमने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया है। ज़िंदगी के बगैर फिर क्या है, तो टर्मिनेशन करें, नौकरी से निकालें, नौकरी में रखें। जब हम ज़िंदगी से हम छोड़ने वाले हैं, आज पाँच दिन हो गए, हमारी हालत क्रिटिकल लग रही हैं। तो रिसेंटली आपको पता है कि कल से एक बंदा हमारा दोस्त एडमिट है, अभी तक उसकी कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल है। हमारे भी लग रहे हैं, आपको देख रहे हैं फिजिकली हमें होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर वो सीरियसली हेल्थ सेक्टर को सीरियसली देखना चाहते हैं तो फिर इस पे कोई उनको टिप्पणी करनी होगी, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, फेमस बना रहे हैं अपने आप को और कुछ नहीं। थैंक यू। हम तो बाकी बंदे हैं।